लोग अक्सर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में इसलिए डालते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और सक्सेस जो है उनके कदम चूमे। जी हाँ, ऐसे में हम मौजूद हैं बिलासपुर के न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर आज एक विद्यार्थी ने जो है नीट का पेपर क्लियर किया है और MBBS में उसका एडमिशन हुआ है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको, और अगर आपका भी बच्चा MBBS यानी कि डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, कैसे वो पढ़ाई कर सकता है और कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, किस स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, वो अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे से मिलवाता हूं जिसका नाम शिवम है, बिलासपुर के न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल में पहली से लेकर 12th तक पढ़ाई की है, तो आज उसका एडमिशन हुआ है MBBS में। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी आपने स्कूल में की थी, स्कूल में कैसा वातावरण मिला और अब जाके आपने जो MBBS में एडमिशन लिया है, भविष्य में क्या कुछ बनना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिवम है, मैं बिलासपुर का निवासी हूँ और मैं शुरू से लेकर +2 तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक कुछ बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, और उसके बाद आपको डायरेक्शन लेनी होती है। डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रोवाइड किया है, मेरे स्कूल ने बहुत प्रोवाइड किया है। बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे याद है अभी भी, जब मैं 10th क्लास में था तो मिड टर्म में काउंसलर्स बहुत आते थे हमारे स्कूल में, जो कि प्रिंसिपल मैम बहुत बुलाते थे, और वो गोल क्लैरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक और बात, जब हमारे 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तब भी प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली काउंसलर्स को बुलाया था हमें गाइड करने के लिए, तो गाइडेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपका गोल तो क्लियर होना ही चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है। तो जो बच्चे MBBS में आगे भी एडमिशन लेना चाहेंगे, और लोग भी स्कूल के हैं जो बच्चे, शायद उनका भी एम इस तरीके से होगा, अभी वो 10th में पढ़ रहे होंगे 11th में, तो उनको किस तरीके से एक एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर कुछ और बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एडवाइस तो यही है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमारा स्कूल बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। चलिए, तो अंत में हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मैडम हैं। मैम, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, बच्चे जो हैं आपके बहुत आगे बढ़ते हैं, स्कूल का काफ़ी खासा जो एक रिकॉर्ड है, रिमार्क्स है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कभी डॉक्टर, लास्ट में भी हमने एक लड़की का इंटरव्यू किया था, तो आज फिर से हम इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में? सर, एवरी चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल, हर बच्चे में जान होती है कुछ ना कुछ करने की, उसको खाली पीछे से थपथपी चाहिए होती है माँ बाप की सबसे पहले, और फिर उसके टीचर्स की और स्कूल की, कि कुछ बन जाएगा तू और तू कर ले, और यही काम न्यू हैप्पी स्कूल अपने बच्चों के लिए करता है। इस टाइम जो मेरे पास मेरा विद्यार्थी खड़ा है शिवम, आपने इसके कॉलेज का नाम नहीं पूछा, गवर्नमेंट सीट है इसके पास और अभी भी रैंक होल्डर है, तो पहले तो आपसे निवेदन है कि इसी कॉलेज का नाम तो हम भूल ही गए, कहाँ एडमिशन हुआ है, किस तरीके का नाम, आप ही बता दीजिए। नहीं, बच्चा बताइए, आप बताइए किस स्कूल में हुआ, वो तो मैं पूछना भूल गया था। मेरा एडमिशन गवर्नमेंट सीट से हुआ है और PGI सहारनपुर में हुआ है, जो कि एक रिप्यूटेड कॉलेज है यहाँ का। जी मैम, दिस वाज अ अचीवमेंट। बच्चे MBBS में एडमिशन तो ले लेते हैं, पेड सीट्स पे भी लेते हैं, बाकी जगह भी, फ्री सीट पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना PGI में, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और इस बच्चे ने वो करके दिखाया है। इसके साथ अभी भी ये अपने कॉलेज में रैंक होल्डर है, और रैंक ओपनर यही है, फर्स्ट रैंक इसी की है कॉलेज में एडमिशन में, दिस इज़ हिज अचीवमेंट। एंड फॉर इसके लिए इसके पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इसको मोटिवेट करके रखा, साथ में बहुत टॉपर और स्कॉलर बच्चा था थ्रू आउट, ये हमेशा क्लास में फर्स्ट स्टैंड किया है, एक आध बार इसकी सेकेंड रैंक आई थी तो इतनी बुरी तरह से रोया था कि मेरी सेकेंड क्यों है, मुझे आज तक नहीं भूलता वो बात। तो वही जज्बा जो होता है बच्चे में कि हाँ, मेरे एक एक नंबर भी कहीं से कटने नहीं चाहिए, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, तो बच्चा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाता है। जी धन्यवाद। तो और पेरेंट्स हैं हमारे साथ, इनके बच्चे भी शायद यहाँ पढ़ते हैं, अंकल आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कैसा लगता है स्कूल का एनवायरनमेंट, कैसा है? बच्चे ने जैसे MBBS में एडमिशन लिया, वो भी सरकारी सीट पर, बहुत मुश्किल बात होती है सरकारी सीट पर MBBS का एडमिशन मिलना, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? बहुत अच्छा स्कूल है, मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले बच्चों का एडमिशन कराने से पहले कई स्कूलों में घूमा, और जब देखा कि ये सबसे अच्छा स्कूल रहेगा मेरे बच्चों के लिए, तो मैंने न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल बिलासपुर ही चुना। मेरे दो बच्चे हैं, एक पोता है एक पोत्री है। कौन सी क्लास में है? एक 10th में है, लड़की 10th में है और लड़का जो है 7th में है।
कोटकल से गांव है जी। और जो अच्छा, जो पुनीत है मेरा पोतरा है, जो वो तो सर्टिफिकेट लेता रहा हर साल, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इस बार भी शायद ऐसा ही होगा जैसे कि मैडम उनकी बता रही थी। मेरे को तो सब ये जो आसपास के जितने भी स्कूल हैं सबसे अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। तो लगातार हम आपको ऐसी और भी पढ़ाई से रिलेटेड हर तरीके से रिलेटेड वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। HR71 के लिए सरनजीत सिंह, बिलासपुर।